Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all are doing great. In today's module, I am gonna discuss about annual budget, a major topic of senior auditor test FPSC. Guys, well, it's not just necessary for senior auditor test, but all other tests that are related to a commerce and business administration, annual budget is necessary. Uh, i have already covered about the annual budget process in my previous lectures of pakistan. so today i'm just discuss about budget in general or uh, in our cost accounting. so let's start. budget for planning and control. guys, budget is used for planning and control. how? guys, you know that time and money are the two resources that are always limited for individuals, for organization, and also for a country. इसीलिए ज़रूरी है दैट वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सिज इन एन ऑप्टिमल वे इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उनको अच्छे से अच्छे यूज़ करें और इसके लिए एक मेजर एलिमेंट होता है प्लानिंग वी हैव टू प्लान इन एडवांस कि हम इन रिसोर्सिस को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिलीज़ ऑल्सो इन स्टार्टिंग ऑफ अ मंथ द फैमिलीज़ ऑलवेज प्रडिक्टैट वट ऑफ एक्सपेंडिचर्स में आकर इन दिस होल मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकसिटी का बिल आ जाएगा हमें मिल खरीदना है उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारा जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है उसका एक्सपेंस होगा तो वो ऑलरेडी इन एडवांस एक रफ़ एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारे ये खर्चे हो सकते हैं हमारी सैलरी लिमिटेड है सेम इन द केयस ऑर्गेनाइजेशन का मंथली वो ऑलरेडी एस्टिमेट्स लगा देते हैं कि हमारी कितनी हमें सेल्स करनी चाहिए जिससे हमें सफिशेंट प्रॉफिट हो ठीक है या फिर हम कितनी प्रोडक्शन करने वाले हैं ये सारी चीज़ें एस्टीमेट्स लगाते हैं ताकि रिसोर्स इफेक्टिवली यूज़ हों बट यहाँ इन्होंने एक और पॉइंट कहा दैट अलॉन्ग विद प्लानिंग कंट्रोल इज़ ऑल्सो नेसेसरी दीज बोथ थिंग्स गो साइड बाई साइड क्योंकि कंट्रोल जब तक नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा आफ्टर प्लानिंग जब हमारे रिजल्ट्स आए हम ये एनालाइज़ करेंगे कि कोई डेविएशन है फ्रॉम स्टैंडर्ड एस्टीमेटेड जो हमने अमाउंट लगाया था या हमने एफिशिएंसी को ऑलरेडी प्रडिक्ट किया था वो हमारी स्टैंडर्ड आई भी हैं या फिर हमने जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो वो हमारे कंट्रोल में आता है तो इस तरह से प्लानिंग एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बजट क्या है इज़ अ टूल दैट मैनेजर्स यूज टू प्लान एंड कंट्रोल द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फाइनली बजट एक टूल है जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं फॉर इफेक्टिव फॉरकास्ट प्लानिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए अपनी रिसोर्स को बजट प्लान शोइंग द कंपनीज ऑबजेक्टि एंड हाउ मैनेजमेंट इंटेंट टू एक्वायर एंड यूज़ रिसोर्स टू अटेंड दो ऑब्जेक्टि बजट एक प्लान है ठीक है हमारा प्लान है जिस जो हमें बताता है कि हमारे कंपनीज के क्या ऑब्जेक्टिवज़ होंगे और मैनेजमेंट उन्हें किस तरह से एक्वायर करेगी किस तरह से को एक्वायर करेगी ताकि ताकि वो ऑब्जेक्टि अचीव हो गाइस यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग क्या बनाते हैं मिशन एंड विजन आफ्टर मिशन एंड विजन जो हम लोग है स्ट्रेटजीज बना रहे हैं पॉलिसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं फिर स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं स्ट्रेटजीज की बेसिस पे हम लोग गोल्स बनाते हैं एंड आफ्टर दैट गोल्स के बाद हम लोग ऑब्जेक्टि बनाते हैं तो उन ऑबजेक्टिवस को अटेंड करने के किस तरह अटेंड करना है और प्लान उन अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को ये सारी चीज़ें हमारे बजट में आती हैं अब बजट इज़ वेरी इसेंशल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ़ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो हमें बता रहा होता है ठीक है कि हमारे क्या फ्यूचर में हमारी इनकम हो सकती हैं या वट एवर एक्सपेंसिस वी फेस ना किस तरह के एक्सपेंडिचर्स हमको करने पड़ सकते हैं परफॉर्मेंस एवेल्यूशन बिकम ईजी एज इज अ सेट टारगेट और गोल टू अचीव इन द बजट फॉर प्री डिटर्माइंड पीरियड हमारी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन अच्छी हो जाती है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सेट अ टारगेट दैट फॉर दिस मंथ पर्टिकुलर मंथ वी हैव टू अचीव द ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ सेल्स और इनकम वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड तो हमने जब डिसाइड कर लिया है तो हम ईजीली देख सकते हैं कि एम्पलाइज की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है वो सेट टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं सो इट्स ऑल्सो गुड मैथड फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन मैनेजमेंट कैन क्वेश्चन एनी डेविएशन फ्रॉम सेट गोल्स मैनेजमेंट क्वेश्चन कर सकती है अगर कहीं भी लगता है कि कोई डेविएशन हो रही है परफॉर्मेंस सही से नहीं हो पा रही है तो मैनेजमेंट उसे क्वेश्चन कर सकती है बजटिंग प्रोसेस हेल्प्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस टाइमली इन केस ऑफ अंडर अचीवमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बजट uh, हमें यह भी हेल्प करता है कि हम करेक्टिव एक्शन लें लाइक ड्यूरिंग द मंथ हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हमारी अंडर अचीवमेंट है यानी इनकम हमें कम मिल रही है और हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हम टाइमली बेसिस पे कोई इफ़ेक्टिव प्लान्स बना सकते हैं ताकि हमारी इनकम इम्प्रूव हो जाए और एक्सपेंसेस कम हो जाए दस द बजट हेल्प्स टू असरटेन द business money being spent and invested correctly and the financial goals of business are achieved isliye budget hame ye bata raha hota hai ki kis tarah hum apne money ko acche se spend kare aur hamare business goals ko achieve kar sake now the types of a budget ya main pehle two types of budget bataungi fixed budget flexible budget and then I will discuss about functional budgets अच्छा मैं आपको ये clear करती जाऊँ कि जो functional budgets होते हैं ठीक है वो हमेशा दो टाइप्स के हो सकते हैं या तो फिक्स बजट होगा या फिर फ्लेक्सिबल बजट होगा जो भी हमारी फ़र्दर आगे क्लासिफिकेशन हुई है फंक्शनल की जैसे सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट और एनी अदर बजट वो सारे दो कैटेगरीज़ के हो सकते हैं या तो वो फिक्स होगा बजट या फिर वो फ्लैक्सीबल होगा सो लेट्स स्टडी द फिक्स बजट अकॉर्डिंग टू सी आई एम ए लंडन

ट्वेंटी थाउजेंड की सेल्स होगी दिस इज़ वन लेवल ऑफ एक्टिविटी फ़िक्स बजट में हमेशा वन लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है कोई हमारा ये नहीं होगा कि वेरिएशन होगी या कोई दूसरी एक्टिविटी हो पाएगी सो सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो बजट बनता है दैट इज़ फिक्स बजट यानी हमने एक ही एक्टिविटी के लिए बनाया कि भाई हमें ट्वेंटी थाउजेंड की सेल्स करनी है ठीक है आफ्टर दैट उसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्शन बजट बनेगा कि ट्वेंटी थाउजेंड्स की सेल करनी है तो हमें प्रोडक्शन कितनी करनी होगी टेन थाउजेंड यानि हमने कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फिक्स बजट अज्यूम्स दैट देर इज़ नो चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी दिस बजट इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेन एक्टिविटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ओके यहाँ पे ये बताया कि ये जो फिक्स बजट होता है वो शॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म जो है ना पीरियड के लिए इट्स एफिशिएंट इट्स गुड बट एज वी कम्पेयर विद लॉन्ग टर्म तो ये एफिशिएंट नहीं होता द रीज़न इज़ दैट क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं तो बिजनेस को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली exactly इतना अमाउंट ही आएगा ठीक है देयर मस्ट बी एनी वेरिएशन कोई भी हमारी बिजनेस कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें लेवल ऑफ़ एक्टिविटी या तो कम या ज़्यादा करनी पड़े इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि कोविड अचानक से ऑल ऑफ सडन जब पैंडमिक आया तो हम पहले कंपेयर करें प्री पैंडेमिक की बात की जाए तो मास्क की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत लिमिटेड थी बट पोस्ट पेंडेमिक सडनली जो मास की वैल्यू थी इंक्रीज हो गई तो हमें अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा तो फिक्स बजट इस तरह के केसेस में सही नहीं चल पाता क्योंकि वो हमें एक ही लेवल ऑफ़ एक्टिविटी बताता है जो फिक्सड है कि भाई ये इतना अमाउंट ही लाना है ठीक है हम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे कि इतना अगर कम हुआ या इससे इतना ज़्यादा हुआ तो क्या होगा सो दैट इज़ से फिक्स बजट फ्लेक्सीबल बजट अ बजट इज डिज़ाइन टू चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जिसमें चेंजेस हो सकती हैं विद लेवल ऑफ़ एक्टिविटी ठीक है फ्लेक्सिबल नाम से पता चल रहा है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है वी कैन चेंज इट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर सपोज जब हम ये बजट बनाएंगे वैसे तो सेम होता है फिक्सड और फ्लैक्सीबल बनाने के हिसाब से देखा जाए स्ट्रक्चर लेकिन अब फ्लैक्सीबल में हम क्या करेंगे वी आर टेकिंग थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटी सपोज कि एक तो टेन थाउजेंड सेल्स होगी बट फॉर सपोज़ अगर टेन थाउजेंड नहीं हो पाई उसे थोड़ा कम होती है एट थाउजेंड यूनिट अगर हमारी सेल्स होती है तो ये हमारी दूसरी लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर हम कहते हैं कि टू थाउजेंड ज़्यादा हो सकती है हमारी सेल्स क्योंकि एक परफेक्ट तो हम एस्टिमेट अक्सर नहीं भी लगा पाते फिक्स समटाइम्स थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाती है तो फ्लैक्सीबल बजट जो होता है हमारे चेंजेस को इंक्लूड करता है इस फ्लैक्सीबल बजट को हम वेरिएबल बजट या स्लाइडिंग स्केल बजट भी बोलते हैं नाउ हेयर इज़ द डिफ्रेंसेस ये अक्सर एम सी क्यूज में ऐसे फ्लैक्सीबल बजट और फिक्स बजट के क्वेश्चन आते हैं तो उसे अच्छे से समझेगा लेवल ऑफ़ एक्टिविटी में मैंने ऑलरेडी बताया कि वो सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी पर काम करता है वो मल्टीपल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को भी देखता है ठीक है फिक्स बजट का नेचर ये दैट इट इज़ स्टेटिक हमेशा कॉन्स्टेंट रह रहा है नो फ्लैक्सीबिलिटीज देयर वैल द सेकेंड फ्लैक्सीबल बजट इज डाइनमिक यानी इट चेंज विद द बिजनेस कंडीशंस इफ आवर बिजनेस डिमांड्स प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स दैन इट विल एडजस्टेड, ठीक है इजीली एडजस्टेड। कॉस्ट क्लासीफिकेशन फिक्स बजट में कॉस्ट की कोई क्लासीफिकेशन नहीं होती है हमारे एम में एम आ सकता है और फ्लैक्सीबल बजट इट रिक्वायर्स क्लासीफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन टू फिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद अगर हम यूज़ की बात करें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ़िक्स बजट का जो यूज़ होता है दैट इज़ लिमिटेड बट फ्लैक्सीबल बजट देखा जाए तो उसका क्वाइट वाइड होता है यूज़ एंड इट इज़ कैन बी इजीली यूज फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस फाइनली लेट्स कम टू द थर्ड वन दैट इज़ फंक्शनल बजट और ऑपरेसिंग बजट वो बजट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ बिजनेस से लेट हो से हम फंक्शनल बजट कहते हैं ठीक है अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग बजट बनेगा जैसे सेल्स के लिए सेल्स बजट बनेगा प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बजट बनेगा मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग बजट बनेगा दीज बजट्स आर प्रिपेयर फॉर ईच फंक्शन एंड दे कंट्रीब्यूट टू द मास्टर बजट ये जो है बजट हर फंक्शन के लिए बनता है और ये सारे फंक्शनल बजट्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंक्शनल बजट में एंड फंक्शनल बजट कितने होंगे इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल बिजनेसिस हैव लिटिल फंक्शनल बजट द लार्ज बिजनेसिस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ फंक्शनल बजट फॉर सपोज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वी हैव रिसर्च एंड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट अलोन ठीक है जबकि माई स्मॉल बिजनेसिस में नॉर्मली नहीं होता तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे नाउ वी विल स्टडी द फंक्शनल बजट टाइप्स उसमें हमारे काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं नंबर वन है प्रोडक्शन बजट द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर फॉर मेकिंग अ प्लान ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम्पल क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्लान कैपेसिटी ऑपरेटिंग साइकिल अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स मेक और पाए पॉलिसीज डूरिंग द बजटेड पीरियड प्रोडक्शन बजट जो है वो प्रपेयर होता है किस लिए प्रोडक्शन के लिए कि हम कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हमारी क्वांटिटी आ सकती है कि वी विल मेक हंड्रेड प्रोडक्ट्स ठीक है टोटल हम हंड्रेड प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्शन करेंगे उसके अलावा कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन कि हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स समटाइम्स द कंपनी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो उसमें वो प्लान करेंगे कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स की हम प्रोडक्शन करेंगे और कितनी प्रोडक्शन करेंगे प्लांट कैपेसिटी कि हमारे यहाँ जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी मशीनरी कितना प्रोड्यूस करेगी पर यूनिट द प्रोडक्शन मैनेजर इस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट यहाँ हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन बजट बनाने में

कि बिज़नेस का मेजर एम क्या होता है मेजर एम होता है टू अन प्रॉफिट समझ रहे हो ना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग जो बिज़नेस कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो प्रॉफिट के लिए होती है बट प्रॉफिट डायरेक्टली अर्न नहीं हो सकता अनटिल वी मेक अ सेल्स और एक सेल्स के लिए हमें सबसे पहले इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम सेल्स को जो है एस्टिमेट करें कि हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हमें प्रॉफिट आर्न हो so the first step is to make a sales budget. and after sales budget, what we make, we make a production budget. That hamari sales, we have to make this number of products like 50 products or 100 products. production we basis decide. and after the production budget, we will make a material budget. ओवरहेड बजट एंड लेबर बजट कि हमारी प्रोडक्शन डिसाइड होगी नाउ वी विल डिसाइड कि मटेरियल कितना परचेज होगा लेबर कितनी यूज़ होगी एंड ओवर हैड्स कितने यूज होंगे ताकि प्रोडक्शन अचीव हो एंड प्रोडक्शन अचीव होगी तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू मेक अ सेल्स नाउ द सेल्स बजट सेल्स बजट इज़ अ लैंड सेल्स इन क्वान्टी एंड वैल्यू बोथ ये हमसे कि उसमें आ सकता है कि प्लान जो सेल्स होती है उसमें सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है या वैल्यू की उसमें दोनों की बात होगी सेल बजट इज फॉरकास्टेड ड्यूरिंग बजट पीरियड द सेल्स मैनेजर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट द थर्ड वन इज़ परचेज बजट दिस बजट इज़ प्रिपेयर फॉर एवरी परचेज आइटम टू बी परचेज इन ईच डिपार्टमेंट the purchase manager is interested in the responsibility of making this budget this budget enables the purchase department to make bulk purchases acha ye budget wo hota hai jisme hum log decide karte hain ki hame kitne items purchase karne hain we sometimes we already had already have an inventory theek hai to ab hame इस inventory के अलावा कितना और material purchase करना पड़ेगा ये हमारे purchase budget में लिखा जाएगा Now, the production cost budget. Production cost budget is prepared to show the cost of production for the units of budgeted production. It is also known as manufacturing cost or cost budget and includes cost of material, cost of labor, cost of direct expenses, and factory overhead. अब हम लोग जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं टू शो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन और फॉर यूनिट्स ऑफ बजटेड प्रोडक्शन जितने भी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने डिसाइड किए थे अब उनकी कॉस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं इस बजट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट भी बोलते हैं कॉस्ट जिसमें हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह आ जाते हैं अब हम फाइनली ओवर हेड्स बजट पढ़ेंगे ठीक है ओवर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं फैक्ट्री ओवर हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एंड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट गाइस ओवर ओनली इंक्लूड दोज मतलब बेसिकली एक्सपेंसेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें हम ओवर हेड्स बोलते हैं तो ओवर हेड्स में एक तो फैक्ट्री ओवर हेड आ जाता है एंड फैक्ट्री ओवर बजट जो है वो क्या करता है एस्टिमेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सारों को बजटेड करता है कि कितने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट लग सकती है या लग सकते हैं या एक्सपेंसिस लग सकते हैं नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर बजट एडमिनिस्ट्रेटिव से बहुत से ही पता चलता है कि ये बजट प्रिपेयर होता है ताकि हमें कंट्रोल करें जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सपेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हमारा मेजर फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द सैलरी टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ तो वी हैव टू प्रिडिक्ट इतना अमाउंट हमें सैलरी में देना है एंड सम हाउ इंक्रीमेंटल अगर कोई हमारी जो लग रही है तो इंक्रीमेंट को भी हम इंक्लूड कर देते हैं फॉर्दर ऑफिस रेंट कि एक फिक्सड अमाउंट ऑफ रेंट हम दे रहे हैं उसके अलावा फॉर दर असेसरीज़ फॉर प्रिंटिंग एंड सैलरीज वी ऑल्सो हैव टू टेक अमाउंट फॉर इट ओके तो हम इन सारे किस्म के एक्सपेंसिज हैं हमारा जो है टेलीफोन चार्जेस लग रहे हैं हमारे पोस्टेज के एक्सपेंसिज हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएंगे सो so उनको लिखना भी ज़रूरी होता है दीज एक्सपेंसिज आर जनरली फ़िक्स इन नेचर क्योंकि ना तो हमारा रेंट इतना जल्दी चेंज होता है सैलरीज भी फिक्स होती हैं तो ये ऑलमोस्ट फिक्सड होते हैं नेचर में उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट इन दिस बजट ऑल एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर एस्टिमेटेड फॉर द बजट पीरियड यहाँ पर जो भी सेलिंग और हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में टूअर्ड्स वेयर हाउसेज और टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स वट एवर द एक्सपेंसिस आर आर इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हैड ठीक है नाउ द रिसर्च एंड डिवेलपमेंट कॉस्ट बजट दाइज यू ऑलरेडी नो कि प्रोडक्ट हमेशा आउटडेट हो जाते हैं ठीक है पुराना हो जाता है जब तक हम उसे कोई चेंजेज उसमें कोई न्यू फीचर्स एड नहीं करते अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइ साइकिल आवर प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू द डिकलाइन फेज डिक्लाइन फेज उसका आना है बट इफ़ यू विल नॉट एड न्यू फीचर्स टू योर प्रोडक्ट एंड Obviously, that product will be declined soon. So, it's quite necessary that you time to time add some features or give some more advantages through that product. And it's necessary to make a research and development budget. Little amount of money should be invested into the research. क्योंकि रिसर्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल कुछ भी नहीं है कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मेजर फोकस होता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो इसका भी अलग से बजट बनता है हर साल कि वट पर्टिकुलर अमाउंट वी मे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डिवेलपमेंट नाउ द लास्ट इज़ कैश बजट कैश बजट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे कैश को कंट्रोल करता है फ्रॉम दिस वर्ड इट रिप्रेजेंट दैट दिस बजट बिलोंग्स टू कैश कैश में हमारी जो भी रिसिप्ट होंगी एक्सपेक्टेड लाइक uh, like हमें यहाँ से uh, क्या कहते हैं अकाउंट पेबल हमने कहीं से लोन लिया तो वो भी हमारी रिसिप्ट हो गई ठीक है या हमारी जो इतनी सेल्स हुई हमारी इनकम जो जनरेट होगी वो सारी कैश बजट में आएंगी और क्या हमें कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे इनक्योर हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे कैश बजट में आ जाती हैं ओवरऑल कैश बैलेंस तो ये भी इसकी भी बजट बनती है ठीक है कैश बजट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो भी माय फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसको कंट्रोल करता है ये दिस बजट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स जो भी फंक्शनल बजट्स बने रीज़न इज़ दैट कि कैश इन्वॉल्व है हम पहले तो नहीं बता सकते कि हमारा कैश कहाँ से रिसीव होगा या कहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे या हम पे करेंगे वो तो तब ही होगा जब हमारा सेल्स बजट बन गया द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर द रिसर्च डेवलपमेंट मार्केटिंग बजट द मथीरियल बजट ऑल ऑफ दिस फंक्शनल बजट्स आर कम्प्लीटेड नाउ फाइनली विल मेक अ कैश बजट जिसमें हम टोटली बताएंगे कि टोटल इतनी हमारी पेमेंट्स हो सकती हैं या इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं दिस बजट इज़ प्रिपेयर बाय द चीफ़ अकाउंटेंट ऑफ अ फॉर्म चीफ अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करता है सो लास्ट बट नॉट द लीस मास्टर बजट अब पहले हमने पढ़ा था फिक्स बजट और जो हमारा फ्लैक्सीबल बजट मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम फ्लैक्स फंक्शनल बजट्स पढ़ते हैं वो सारे या तो फिक्सड होते हैं या फ्लैक्सीबल होते हैं ठीक है उसके बाद हमने फंक्शनल बजट्स के टैक्स पढ़े उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट ऑफ आउट ऑफ दिस लास्ट में जो बनता है वो कैश बजट बनता है अब हमने एक बात की है मास्टर बजट फ्रॉम वर्ट इट रिप्रजेंट मास्टर यानी वो सबसे ज़्यादा हेड जैसा बोला जाए ना वो है इट्स अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स यानी जो भी हमारे छोटे छोटे सारे बजट्स बने उनको हम समराइज़ करके वी इट इन वन बजट दैट इज कॉल्ड एज मास्टर बजट इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ फॉर्म्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ बजटेड पीरियड एक ओवरऑल व्यू देता है दैट वट वी विल डू फॉर दिस पर्टिकुलर बजटेड पीरियड बजटेड पीरियड हमेशा हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं बजटेड पीरियड सिक्स मंथ्स के लिए हो सकता है इट माइट बी फॉर वन ईयर सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कितना बजटेड पीरियड फिक्स करती है इन अ मास्टर बजट असमरी और फंक्शनल बजट इनकॉर्पोरेटेड मास्टर बजट्स टेक टू फॉर्म्स ओके दे आर टू शेप्स ऑफ मास्टर बजट नंबर वन अजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट इन अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल फंक्शनल बजट शोन इन समरी फॉर्म बजट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे जो भी फंक्शनल बजट्स से हमारी कॉस्ट या रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो सारी चीज़ें समरी फॉर्म में हम लिखेंगे तो वो हमारा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा और हमने जो भी बैलेंस शीट में प्रिडिक्ट हमने बजट जो किया था कि इतने एसेट्स होंगे या इतनी लाइबिलिटीज होंगी वो सारी हम बजटेड बैलेंस शीट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मास्टर बजट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स importance। Why वी prepare budget? बजट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रॉपर फंडिंग अकॉर्डिंग टू टारगेट्स क्योंकि हमने टारगेट सेट किए हैं हमने ऑलरेडी प्रडिक्शंस लगाई हैं कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और हम बजट बनाते हैं आफ्टर अ डीप एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर एन्वायरमेंट एंड एनालिसिस और स्कीनिंग वी मस्ट कंसिडर टू थिंग्स वन इज़ द इंटरनल एनालिसिस एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल एनालिसिस आफ्टर दैट वी अगेन एनालाइज़ अवर कॉम्पिटिटर्स उन सबको प्रडिक्ट करने के बाद मार्केट को एनालाइज करने के बाद हम लोग अपने ये बजट्स बनाते हैं तो बजट क्या बताते हैं हमें प्रॉपर फंडिंग बताते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितना कितना अमाउंट जो है हमें फ़िक्स करना चाहिए अ बजट सेट टारगेट फॉर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स हेल्प टू चेक ऑन बोथ ऑफ़ दैम के कितना रेवेन्यू जनरेट हो करना है कितने एक्सपेंसिस रखने हैं हमें वो सारी हमें चेक एंड बैलेंस कौन बताता है बजट Management can channelize funding in a right direction as per the budgeted provision. Obviously, a right direction mil hai where we have to invest our money. The formulation of proper strategies become possible, Jobi strategies either on organizational level or unit level or a functional level. It depends on a budget. Now, the next is helps to set priorities. बजट हमें हेल्प करता है प्रियोरिटी सेट करने में कि फॉर व्हाट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और फॉर व्हाट रिसोर्स वी हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी फॉर व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स वी हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी ठीक है तो ये हमें प्रयोरिटी सेट करने में हेल्प करता है कि किस चीज़ में हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड द थर्ड वन इज़ कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर विद बैटर हारमनी बजट हेल्प्स टू कंट्रोल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स इन ऑर्गेनाइजेशन Sometimes we are making an unnecessary expenses. So budget help us to control those wasteful expenses and we only invest or we only do expenses on important things that directly benefits us because resources are scarce. Obviously, we resources limited or unlimited resources ke under rare we have to select the best alternative for our business. Each department has a predetermined share of a budget allocated to it, and it helps to take care of any detailed arguments between them because of resource allocation proper. We done a resource allocation for departments, ke marketing department ke liye 1 lakh, I suppose, and for HR department the resource allocation is 2 lakhs. So, there will be minimi, minimum chances of disputes. Kamadiya already predicted. Hoti hai. बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल क्या है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इट्स अ टूल फॉर मैनेजमेंट टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड टू डेवलप अ बेसिस फॉर माई टू वैल्यू द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन हमारा जो ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ये ऐसा टूल है जिससे हमें हेल्प मिलती है दैट हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ को एलोकेट करें ताकि वो बेहतर प्लानिंग कर सकें उसके अलावा वो एफिशिएंसी को भी मैयर करता है हमारे ऑपरेशंस की कि हमारे जो भी प्रोडक्शन हो रही है ऑपरेशंस हो रहे हैं दैट आर डन इन अ फीसिबल एंड ऑप्टिमल वे बजट इज़ अ प्लान ऑफ अ पॉलिसी टू परस्यू ड्यूरिंग अ डिफाइंड टाइम पीरियड ऑल द एक्शंस आर बेस्ड ऑन प्लानिंग हर चीज़ किस पे बेस्ड होती है प्लानिंग की बेस पे बजट इज़ प्रिपेयर आफ्टर स्टार्टिंगटेड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस हमेशा बजट बनता है आफ्टर स्टडी वो डायरेक्टली जंप हम नहीं कर सकते टॉप मैनेजमेंट विद द स्टाफ ऑफ अ फॉर्म एम्पलीमेंटेड दॉलिसीज ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट बजटरी कंट्रोल हेल्प एंड कॉर्डिनेटिंग द इकोम ट्रेंड्स के कौन से इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं हमारे उनको कोऑर्डिनेट करने में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है पॉलिसीज़ हैं प्लान्स एंड एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है क्योंकि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक ट्रेंड्स देख लेते हैं कि रिसेंटली हमारी मार्केट की क्या डिमांड है सप्लाई है जो भी हमारी प्राइजिस हैं उसकी बेसिस पे हम लोग जो है हर चीज़ को अपना कॉर्डिनेट करें बजट कंट्रोल ऑल्सो हेल्प मैनेजमेंट टू इंश्योर एंड कंट्रोल द प्लान एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल मेक इट पॉसिबल बाई कंटिन्यूअस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डेट ऑफ द बजटेड बजटरी कंट्रोल हमें इस तरह भी हेल्प करता है दैट वी कैन ईजीली कंपेयर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटड वन क्योंकि बजट जो है ऑलवेज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स जो हमने एस्टिमेट्स और तो स्टैंडर्ड्स पुट किए थे वी कम्पेयर दैम विद एक्चुअल परफॉर्मेंस टू नो वेयर इज बेसिकली द डेविएशन वेयर वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन सो हमें पॉइंट पता चलता है वीक पॉइंट पता चल जाता है जिसकी बेस पे हम उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो बजट बजटिंग प्रोसेस इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ सबसे पहले वी नॉट मेक अ बजट फर्स्ट वी मेक अ गोल्स सबसे पहले गोल्स बनते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस गोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं एंड पॉलिसीज़ बनती हैं गोल्स मस्ट बी ट्रांसलेटिन टू कोटिफाइबल मैनेजमेंट ऑबजेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डिपार्टमेंटल गोल्स आर मेड अगेन ये पूरा प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स बनेंगे ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल दे एंड कन्वर्ट इन टू ऑबजेक्टिव दैन हमारे यूनिट्स हैं यूनिट्स की बेसिस पे हमारे जो भी हैं गोल्स वगैरह बनेंगे और ऑब्जेक्टिवस बनेंगे एंड यूनिट्स के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स में बनते हैं ठीक है डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स एंड ऑबजेक्टिव बनेंगे नाउ द फॉर्मल प्लान फॉर बजट प्रिपरेशन एंड रिव्यू इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम टेबल इज़ प्रिपेयरड अब हम लोग क्या करेंगे एक फॉर्मल प्लान बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग बजट प्रपेयर करेंगे और सारा रिव्यू भी करते जाएँगे कि कौन से असाइनमेंट्स कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस को साइन की गई हैं और एक टाइम टेबल भी प्रिपेयर करेंगे फोर्थ स्टेप होता है कि डिपार्टमेंटल बजट को रिवाइज किया जाएगा और मास्टर बजट प्रिपेयर होगा सारे डिपार्टमेंट्स ने बजट बनाया अब उन बजट के बेसिस पे हमने एक मास्टर बजट प्रिपेयर किया फिफ्थ स्टेप फाइनेंशियल फीसबिलिटी ऑफ मास्टर बजट इज टेस्टेड एंड फाइनल डॉक्यूमेंट इज अप्रूव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व फर्स्ट हम लोग ये नहीं करते कि डायरेक्टली अप्रूव किया वी एनालाइज इट वी टेस्ट दैट येस मास्टर बजट इज़ इफेक्टिवली, येस अगर फीसिबल तौर से बनाया गया है तो वी विल अप्रूव इट एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड द लास्ट वन इज़ एवरी हेड ऑफ ऑफिस रिक्वायर टू प्रिपेयर बजट एस्टीमेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ़ स्टैब्लिशमेंट कंटिजेंट एक्सपेंडिचर्स एंड आर एग्जाम्पल सेफ ऑन ऑफिस एक्सपेंडि रेंट ऑफ बिल्डिंग्स फाइनली हर हेड जो हमारी ऑफिस का था दर्दर है टू मेक अ बजट एस्टिमेट रिगार्डिंग द सैलरीज एंड कंटीजेंट एक्सपेंडिचर्स द अनएक्सपेक्टेड और अनप्रडिक्टबल जो बोलते हैं हमारे अनफोसिन एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनके लिए बजट बनाना ज़रूरी है और जैसे हमारी एग्जाम्पल है टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं ऑफिस है जितनी भी रेंट होगा हमारे बिल्डिंग का उनकी एस्टीमेट्स लगेंगी सो दैट्स इट थैंक यू